चैनल कॉफी और ड्रिंक। तो आज का मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है कॉफ़ी से ही हो रहा है, बट थोड़ी सी हटती और डिफरेंट कॉफ़ी, जो कि आप सबको जम्मू वालों को पता ही होगा, और जिनको नहीं पता कि शार्क टैंक की फेमस कॉफ़ी नाउ इन जम्मू। और मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे विज़िट किया, और चलते चलते मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पे विज़िट किया जाए। और यहाँ पे इतने ज़्यादा फ्लेवर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं कॉफ़ी के, देख सकते हो यहाँ पे। ये भैया आप खुद आके बता दीजिए थोड़ा। ये हमारी कॉफ़ी पॉपकॉर्न पटाखा जो फ्लेवर में आ रही है, और ये हमारे पास अभी है नेक्स्ट लेवल मीडियम रोस्ट में होगी। ये हुडा गबरू है, ब्लैक कॉफ़ी है, नो शुगर नो मिल्क। और ये हमारे पास शेक्स हैं चोको ब्लैंड बेरी भी है। यहाँ पे कॉफ़ी की बहुत ज़्यादा चॉइसेस थे, और इतनी ज़्यादा चॉइसेस देख के पहले तो मैं कंफ्यूज हो गई थी, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स थे, लेकिन जिसमें से मैंने प्रेफर किया अपना नेक्स्ट लेवल। तो मैंने वहाँ से ली थी नेक्स्ट लेवल कॉफ़ी, और बट मैंने अभी से टेस्ट नहीं किया था, तो मैंने सोचा आपके सामने इसे टेस्ट करती हूँ। काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, बट थोड़े से इसके टेस्ट में ना सिर्फ कड़वा वंस है, वो जो कॉफ़ी में होता ही है उसका। और ये था मेरा इसके साथ आज का पूरा ड्रेसअप, मैंने ये टैंक टॉप एंड ये नेक पीस, और ये मैंने कहाँ से लिया ये आपको पता लगेगा मेरी शॉर्ट्स में। तो अब मैं आपको मिलती हूँ जहाँ भी मैं जाती। तो कॉफ़ी ट्राई की मैंने, और कॉफ़ी ट्राई करने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, तो इस बार समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाऊँ, क्योंकि मेरा मोमोज खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। तो एकदम से स्ट्राइक हुआ कि क्यों ना इस बार सबवे चला जाए, और सबवे में जाकर मैंने ट्राई किया था इनका सब वेज हरा भरा कबाब, काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, वो भी आप में से बहुत लोगों ने खाया भी होगा। ज़्यादा बात नहीं कर पाई थी क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लाउड ना सॉन्ग लगे थे, तो उसकी वजह से मेरी आवाज़ आपको क्लियर नहीं आनी थी। तो मैंने सोचा एक ही बारी आपको मैं बाहर जाके आपसे बात करती हूँ। तो वहाँ पे मेरे को नॉर्मल सा कुछ ऐसे डाइट से खाना था, क्योंकि बाहर का इतना जंक खा चुकी थी ना, अब बिल्कुल मन नहीं करता जंक खाने का। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सबवे में शिफ्ट किया जाए, मैं काफ़ी टाइम के बाद सबवे गई थी। और अब मुझे ना टैंक टॉप चाहिए थी जैसे मैंने यहाँ पर वेयर की थी, ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी, बट ना मुझे ना अपने एक एक्यूरेट साइज़ की चाहिए थी, तो मुझे ब्लैक कलर की चाहिए वो भी। तो अब मैं जल्दी से शॉपिंग करूँगी, अपनी टैंक टॉप लूँगी, और उसके बाद फिर अगर मुझे मेरी टैंक टॉप मिल गई, मैंने लास्ट टाइम देखी थी यहाँ पे, तो तब मैं आपको बताऊँगी। ये वाली टैंक टॉप मैंने ली थी जी, मैंने ये टैंक टॉप मिल गई थी जैसे मुझे चाहिए थी, क्योंकि मुझे पूरा ब्लैक टीम अप करना था विद ब्लैक जीन्स एंड ब्लैक टैंक टॉप। तो अब मैं ट्राई करती हूँ कि मुझे जो साइज चाहिए वो अवेलेबल है, और अगर है तो उसकी फिटिंग कैसे आती है, तो मैं आपको ट्राई करके दूँगी। तो मुझे मेरा साइज मिल गया, मुझे ऐसा ब्लैक वाला चाहिए था टैंक टॉप, और जो मैंने आज पहना हुआ था ना, मुझे उसका स्टफ इतना कुछ खास नहीं लग रहा था, बट वो ऑनलाइन था तो हम बोल सकते हैं स्टफ के लिए, बट ये मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा था, और ब्लैक के साथ ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अच्छा, टैंक टॉप मिल गई जैसी मुझे चाहिए थी, और जो कि मैंने आपको बताया मुझे ब्लैक कलर ही चाहिए था, और मुझे ब्लैक ही मिला, दूसरा कलर भी अवेलेबल था। और जिसको ये पूछना होगा कि ये टॉप कहाँ से ली और कहाँ कितने प्राइस की थी, वो मुझे कमेंट कर सकता है नीचे। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग, टिल देन जब तक मेरा नेक्स्ट ब्लॉग आता है, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, और जितना पॉसिबल हो सके मेरे चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए एंड कमेंट करिए। तो जल्दी से मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ।